नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ले आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं तुरंत एक मिनट में कर दूंगा तो आप वीडियो को यही पॉज करिए, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर 3 मिनट के अंदर आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हो तो आप सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। अगर आप इसके अलावा भी कोई तरीके से अगर आप सॉल्व कर लेते हो, इससे भी आसान तरीके से, कम लाइन यूज होती है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो यहीं से क्वेश्चन को उठाएंगे, ठीक है। उठाते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो सी को उधर ले जा रहे हैं, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी किया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं सारे के सारे स्क्वायर वाले टर्म हैं, ठीक है, स्क्वायर वाले टर्म हैं, तो हम इसको जरा स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आर स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, ये बनेगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बनेगा आपका माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। अब सी स्क्वायर को इधर ले आइए, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये टू ए बी को उधर ले जाइए, तो आप इसको क्या लिख पा रहे हैं, माइनस टू ए बी, ठीक है। ध्यान दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को आपने क्या लिख लिया, माइनस टू ए बी। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसकी जगह पे बेटा आप क्या लिख सकते हो, माइनस टू ए बी। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे जो टर्म आया वो किससे आया है, इससे आया है, ठीक है, मतलब इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन है निगेटिव साइन के साथ। तो इसी तरह आप ये लिख सकते हो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस का ट्वाइस ये दोनों बी सी, ठीक है। दूसरा टर्म है आपके पास सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों टर्म, ठीक है, माइनस का टू ए सी, ठीक है। अब ये तीन टर्म आपको मिल गए हैं इन तीन टर्म के प्लेस पे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये वाला टर्म है, तो क्या मिला आपको, माइनस का 2bc, ठीक है, माइनस का 2bc मिल गया। प्लस करते हैं c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये देखेंगे लास्ट वाला टर्म, तो ये आपको क्या दे रहा है, 1 अपॉन माइनस का 2ac। प्लस लगाते हैं आगे आपको ये पहले वाला टर्म है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, माइनस 2ab, 1 अपॉन माइनस का 2ab, ठीक है। यहां पे आप LCM ले लीजिए, LCM लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2abc, क्योंकि बी सी है ए सी है ए बी है, तो माइनस टू ए बी सी लोगे तो ये आपको एलसीएम पूरा मिल जाएगा, ठीक। अब इससे इसमें जरा डिवाइड करिए, माइनस टू चला गया, बी सी चला गया, तो क्या बचा, केवल ए, यहाँ पे ए, बीच में प्लस का साइन प्लस लगा दी, माइनस टू ए सी है तो क्या बचेगा, केवल बी, तो प्लस बी, और सिमिलरली यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, सी, ठीक। अब जरा देखिए ए प्लस बी प्लस सी आपका जीरो था बेटा, ठीक है, तो इसकी प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे, यहाँ पे जीरो, जीरो अपॉन माइनस टू ए बी सी, ठीक है, और आंसर आपका अल्टीमेटली कितना आ गया, जीरो। तो ये था मेरा ट्रिक, ठीक है, मतलब मेरा तरीका था। अगर आपको लगता है कि इससे भी कोई बेटर मेथड है आपके पास तो आप कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।